हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैमरा कुकिंग विद जया। और फ्रेंड्स, आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कद्दू के रायते की रेसिपी। बड़ा अजीब लग रहा है ना, जितना अजीब है खाने में उतना ही टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, झटपट से बनाते हैं कद्दू के रायते की रेसिपी। पर मैंने 250 ग्राम येलो पम्पकिन यानी कि कद्दू लिया है और ये ग्रेटर लिया है। ग्रेटर में बड़े वाले छेद हमें लेना है और यहाँ पर लेना है और इसको फटाफट हमें ग्रेट करके लंबा लंबा ही ग्रेट करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें कद्दू को ग्रेट करना है। कद्दू को मैंने ग्रेटर में ग्रेट करके रेडी कर लिया है, हम आगे का प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ कढ़ाई में मैंने आधा छोटा चम्मच तेल गरम होने के लिए रखा और तेल गरम हो गया तो आधा छोटा चम्मच जीरा डलेगा इसमें। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच या हाफ टी स्पून या एक चुटकी के करीब हम डालेंगे हींग। हींग बहुत अच्छा फ्लेवर देता है फ्रेंड्स। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक बारीक कटी हुई हरी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ये तड़का है तैयार हो गया। तो अब इसमें कद्दूकस किया हुआ मैं पम्पकिन यानी कि कद्दू डालूंगी और इसे डालकर हल्का सा सोटे करेंगे। मुझे थोड़ा क्रंची ही कद्दू पसंद है, इसे मैं गलाना नहीं है। करीब 2 मिनट हम ऐसे ही चलाते हुए सोते करेंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, चलाते हुए मैंने इसे 2 मिनट सोते किया और ये सॉफ्ट भी हो गए। तो अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसे मिक्सिंग बाउल में शिफ्ट करेंगे और थोड़ा इसे हम ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जो है कद्दू ठंडा हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने एक कटोरी दही ली है और दही डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमने कद्दू और दही को अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर भी आया। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक जो इसका टेस्ट बढ़ाता है, और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम भुना जीरा, थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच से कम मैं डालूंगी, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हरी मिर्च हमने ऑलरेडी ले रखा है, और थोड़ा सा मैं यहाँ डालूंगी हाफ टी स्पून के करीब धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये सारे चीजों को डालकर अच्छे से हम मिक्स करेंगे और साथ ही मैं यहाँ डाली हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो देखिए फ्रेंड्स, झटपट हमारा कद्दू रायता बन गया है। तो अब मैं इसे सर्व करूंगी। रेडी रायता को आप दाल चावल के साथ, आलू के पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, खिचड़ी के साथ परोसे बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, वैसे तो इस रेसिपी को कई तरह से बनाई जाती है। उबाल कर लोग बनाते हैं, मैश कर देते हैं और इसके ऊपर तड़का डालते हैं, बट मुझे ये रेसिपी पसंद है तो मैंने आपसे ये शेयर किया है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। मिलती हूँ ऐसे ही क्विक रेसिपी के साथ।